today our event is about a very important subject, that is data science. And data science mein we are having an upcoming startup, Ms. Rabia Kamal, who has now established a name in data, being a data scientist, and she is a pride of Pakistan. She is the daughter of Pakistan, and she is an inspiration for many boys and girls. So they can enter such a young age. She is opting her career as a data scientist. So we request her, because in most of our courses we had PhDs and experts at a very high level. But we requested that, look, this is a startup and mashallah, she is doing so well. और वो जिस चीज की बात करी है, हमने different courses करवाए हैं, तो वो बात करी है, which is the mother of all the subjects. हम machine learning की बात कहीं सुनते हैं, कहीं deep learning सुनते हैं, कहीं artificial intelligence सुनते हैं. तो उन सब को अगर या data analytics के बारे में देखते हैं, तो जो this is the main subject, data science, which needs to be understood. And later, जो लोग आज certifications लेंगे, they can either opt for the career, otherwise they can have the mentoring. We are thankful to Amar Jafri sahab, because Center of Pakistan and International Relation is working with CIT, Center of Information Technology, and it's a proper institute. It's not like that a think tank just jump in and they establish a college or a university. We are working with an already established organization which has been into this business for a very long period of time. So, हम एक established आपको certification दे रहे हैं, और आगे अगर आप चाहते हैं कि आप as a startup हमें join करें, one of the project जिन courses को हमने करवाया है, तो all of you are most welcome. You can join us. We can further see कि क्या उसमें further improvements हो सकती हैं. अब मैं request करूंगी अमार जाफरी साहब को कि वो एक बहुत, जिस तरह आप एक बहुत आसान अल्फाज में एक normal day life के अंदर एक कॉर्पोरेट को कैसे डेटा साइंस की जरूरत है, एक गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर को डेटा साइंस की कैसे जरूरत है, अगर एक कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो उसे डेटा साइंस की कैसे जरूरत है, और ये फ्यूचर में डेटा साइंस से क्या होने जा रहा है, जो लोग नई टेक्नोलॉजीज को नहीं अडॉप्ट करेंगे वो कहाँ खड़े होंगे, और जो लोग नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करेंगे वो कहाँ खड़े होंगे. जैसे आज मेरी दिन में एक मीटिंग थी, तो पाकिस्तानी डायस्पोरा वापस आ रहा है, सो इट्स अ वेरी बिग इशू व्हिच इज कमिंग इन पाकिस्तान. तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि वी डोंट हैव द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स व्हिच नीड्स टू बी सेंड टू एनी कंट्री एंड व्हिच कैन कम्पीट. हमें इंडिया के साथ कम्पीट करना है. अगर आप कंपैरेटिव स्टडीज करें तो इंडिया की जो है, दे आर फार अहेड इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. हमारी गवर्नमेंट इज ऑल्सो पैट्रनाइजिंग अस कि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम करें. और मैं अमार साहब को इस बात पे वाकई आपकी तारीफ करूंगी कि आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ई पाकिस्तान की तब बात करते थे जब गवर्नमेंट लेवल पे इसकी बात नहीं होती थी. और मुझे पता है कई बार मैंने और आपने मिलके इसकी एडवोकेसी की है, और उस टाइम में लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे कि क्या बातें आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा. तो अब वही हो रहा है जो आज से चंद साल पहले हम बात करते थे. और आई थिंक पहले एक छोटा सा ग्रुप था, अब वो हमारे साथ अब इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, उसमें बहुत लोग शामिल हो गए आपके कारवान में. तो अब ओवर टू अमार साहब, एंड देन आफ्टर अमार साहब वी रिक्वेस्ट राबिया टू फॉर्मली स्टार्ट द. थैंक यू अमना मलिक, आपका बहुत शुक्रिया. आपने इतना अच्छा स्टार्ट लिया, इतने सादा और बड़े अच्छे अल्फाज में डेटा साइंसेस के ऊपर. योर टॉक वाज अ मिक्स ब्लेंड ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड मोटिवेशन. थैंक यू वेरी मच. राबिया के बारे में आपने जो कुछ कहा वाकई ऐसे ही है. राबिया ने जब चंद साल पहले हमें ज्वाइन किया, तो मैंने इनका पैशन पूछा इनसे क्या करना है, तो इन्होंने यही कहा जो ये आज कर रही हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज इमर्जिंग एज अ स्टार इन डेटा साइंस. मैं समझता ये फॉर्मल मतलब कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, इसके बाद ये चली अपने सफर पर. अब इनकी मंजिल जहाँ पे आई कैन सी इट वेरी वेल. अच्छा जी बच्चों, बात आपसे ये करनी है कि जब से सारी दुनिया में आया ना, उन्हें चीज़ें काउंट करने सीख लिया था. पहले वो तारे काउंट करता था, फिर कुछ करता था. खैर अब हुआ ये कि चाइनीज ने सबसे पहले एक मशीन एक वो बनाई, उसे कहते थे अबेकस. छोटी छोटी लीड्स थी उसकी. वो मजे की बात ये है कि आज जो आपका बाइनरी सिस्टम है ना, आज ये चाइनीज की याद है हजारों साल पहले. अगर आप करें ना गूगल पर लिखिए अबेकस, तो आपको ये सब चीज जो मैं बता रहा हूँ नजर आ जाएगी आपको. यानी जो है ना हमारा जीरो, देखिए जीरो की क्या वैल्यू है. अगर आप एक के राइट में जीरो लगा दें तो दस बन जाता है,
दो जोड़े लगाए तो 100 बन जाता है, जैसे आप ऐड करते रहे। ये तो हमें अब समझ में आया ना सिस्टम, डेसिमल सिस्टम समझ में आया। कैडीज ने इसकी इजाद बहुत पहले कर दी थी। अगर आप लिखेंगे ना बैकस तो आपको एक वो फ्रेम से नजर आएगा, उसमें वो बीड्स लगी हुई होंगी। तो उस जमाने में कंप्यूटर थे नहीं, तो वो बीड्स के जरिए अपना हिसाब किताब करते। अच्छा, इसका मतलब है कि चीजों को काउंट करने की जो इंसानी जस्तुजु थी वो बहुत पहले शुरू हो चुकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दुनिया में हजारों चीजें आई। सबसे पहले एक कंपनी थी NCR के नाम से, उन्होंने बनाए थे अपने कैश रजिस्टर्स। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ 60s की बात कर रहा हूँ। कंपनी थी NCR के नाम से, अमेरिकन कंपनी थी। उनके कैश रजिस्टर्स क्या करते थे, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थी, वो चीजों को काउंट करती थी, ठीक है। खैर वो चलता सिलसिला, उसके बाद जो कुछ भी जिंदगी से गुजरी बात वो यहाँ तक पहुंची जहाँ बैठे हैं। बताने का मकसद ये था, कहते हैं इफ यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग, काउंट एनीथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आपको पता ही ना हो कि आपके घर में मेहमान कितने आ रहे हैं, देखिए अगर मेरे घर में 4 लोग आ रहे हैं तो मसला ये होगा मैं सर्व क्या करूंगा। अगर मेरे घर में 400 लोग आ रहे हैं तो मसला वो बैठे हैं कहाँ पे। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट चीजों का जानना जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, ये बुनियादी असूल है। अच्छा, इसका मतलब है कि डेटा की इंपॉर्टेंस बिल्कुल इस तरह है जैसे हमारे लिए बाकी चीजों की इंपॉर्टेंस है, हवा की, पानी की, बिजली की, सब चीजें। लेकिन अनलकीली हमने वो इंस्टीट्यूशन बिल्ड नहीं किए जो डेटा को मेजर कर सकते चलते। आप यकीन करें कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स USA, जस्ट सीधा साइट, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स USA, ये कोई 50 में बना था इदारा। लेकिन जब आप, मैंने इनके साथ 70s में किसी के साथ काम किया तो जमाने की बात है, डॉक्टर नौबी थे एक, तो मैं उनसे अक्सर पूछता था कि ये क्या करता है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स USA। तो उसने ये बात उस वक्त की थी मुझे कि इंसान होता है एक उकाब की तरह। उकाब जो है ना वो अपना टारगेट जमीन के ऊपर देख लेता है कोई 22-23 मील ऊपर से। तो वो कहता था कि जब तक इंसान अपनी चीजों को काउंट करना नहीं सीखेगा तो वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। इसका बुनियाद मैंने इसलिए बनाई ताकि आपको एहसास हो कि डेटा की वैल्यू क्या है। अच्छा, अब हुआ ये कि हमारा मुल्क भी गुजरा इस अमल से। देखिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि माजी बड़ा अच्छा काम हुआ है। हमारे यहाँ सेंसस कमिश्नर होता था, मुझे अभी तक याद है, सेंसस कमिश्नर एक जॉइंट सिटी लेवल का आदमी था जो हर मुल्क में सेंसस कराता था, ठीक है। सेंसस हमारा पहला 51 में हुआ, फिर 61 में हुआ, ये दो सेंसस हमारे ठीक हुए। 71 में जंग की वजह से पोस्टपोन हो गया, लेट हुआ, फिर तो लेट ही चला गया। 80s का सेंसस लेट हुआ, अभी 90, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि हर 10 साल बाद हम सेंसस करेंगे। तो बस अब फिर हम पुराने सेंसस को, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन, हम एक्स्ट्रापोलेट करते रहे कि इस इलाके के अंदर इतनी आबादी बढ़ गई होगी तो हमने फिगर साबित शुरू कर दी। आज भी जो अगर आप रिपोर्टें देखें, अब उसको स्टैटिस्टिक डिवीजन कहते हैं, अगर आप देखें ना स्टैटिस्टिक डिवीजन की रिपोर्टें देखें तो उसमें एक्स्ट्रापोलेशन हुई हुई है कि जी पिछली सेंसस ये थी तो चूंकि रेट ऑफ ग्रोथ ये था तो अब ये होगा। इसका मतलब हम चल ही एस्टिमेट पे रहे हैं, हमारा पूरा मुल्क एस्टिमेट पे चल रहा है, विच इज वेरी डेंजरस। हमने साहब ये आपका तल्लुक जो पॉलिटिक्स से है ये बताएं लोगों को कि अगर आप कुछ चीजें मैयर नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि आपके मुल्क में अपाहिज लोग कितने हैं, बूढ़े लोग कितने हैं, जवान लोग कितने हैं, नियर टू रिटायरमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट कितने हैं, आपके मुल्क में लैंड कितनी है। देखिए नादरा इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब, PITV पंजाब इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब, बाकी भी अपना अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको बुनियाद नहीं मिली इसकी। हमने बुनियाद बनाई, हमने 50, 60, 70 में बुनियाद बनाई, उसके बाद वो एक पीरियड आया मतलब मैं समझता हूँ 20-25 साल का, उसमें हमारे मुल्क की तमाम बुनियादें डिस्टर्ब हो गई। आज जब आप बात कर रहे हैं तो कुछ इदारे तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन बाकी को इम्प्रूव करने की जरूरत। अभी आमना मलिक साहब ने कहा कि गवर्नेंस के लिए क्या जरूरत है, मुझे पता है एक डेप्टी कमिश्नर को ये पता ही नहीं है कि उसकी कितनी यूसीज हैं। चलिए यूसीज तो उनको पता होगा कि किस यूसी के अंदर क्या क्या चीज़ों की कमी है और क्या क्या चीज़ों की ज्यादती है ताकि वो बैलेंस कर सके। अब ये डेप्टी कमिश्नर को बात कैसे पता चलेगी कि कोई उसका उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस होगा, वो सारा निज़ाम प्रोविंशियल लेवल पे चला गया है। ये तो शुक्र अल्लाह ताला का है कि पंजाब के अंदर जो पटवारी का चल वो खत्म हो गया। एक जमाने में पटवारी होता था बादशाह, यानी उसको खुश किए बगैर आप अपनी जमीन का निशान, उसे कहते हैं निशानदेही। आप कोई बड़े, आप सब सुन के मजार बात हो, मैं खुद देखा ये, मैं अपने वालिद मुल्क से जाया करता था तो एक लगता था लट्ठा, उस लट्ठे के ऊपर, ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ये नहीं कि मुझे सुनाई ये बातें किसी ने, उस लट्ठे पे जमीन का नक्शा होता था बना,
बकायदा मैंने खुद देखा कि पटवारी कदम चला के अच्छा ये जगह यहाँ पर है तो वो जमीन वहां तक है, तो बकायदा वो चल के जाता था वहां पे, कहता था यहाँ निशान लगाओ। यानी इसका मतलब है कि कितनी इंपॉर्टेंट बात है जमीन की डॉक्यूमेंटेशन। ये जो आज आप जियो फेंसिंग के ऊपर एक इंच का हिसाब कर रहे हैं वो पटवारी का लट्ठा करता था। चले लेगेसी सिस्टम से चले आए हम यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन आज ये अच्छी बात है कि हमारा लैंड रिकॉर्ड पंजाब का बेस्ट है मैं समझता हूँ, और बाकी जगहों का भी बेहतर हो चुका है। अच्छा, अब थोड़ा सा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, इंपॉर्टेंस की बात हो गई, सब कुछ हो गया। ये डेटा साइंस का कॉन्सेप्ट आया कैसे? हुआ ये कि जब तक डेटा था कागजों में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, फिर ये कागजों से आया मशीन के ऊपर। अब आप ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि पहले थे मैनुअल सिस्टम्स के अंदर, फिर आए आईटी सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें हमने कुछ नहीं किया सिवाय मैनुअल सिस्टम को हमने कन्वर्ट कर दिया ट्रांसक्रिप्शन के जरिए कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर, बस। यानी जो पहले मैनुअल में था वो उसके ऊपर आ गया। उसके बाद एक और चीज आई जिसका हमें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ, दैट वाज आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वहां से हमें एहसास हुआ डाटा की ये इसकी क्या अहमियत है। वो क्या हुआ कि जब हमने उस डाटा को इस्तेमाल करना चाहा जो हम ऑटोमेट कर चुके थे, तो हमें पता लगा ये तो उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में इसकी जरूरत है इसकी। तो फिर हम डेटाबेसिस में चले गए, फिर हम उसके अंदर चले गए कि इसको इस्तेमाल करने के लिए तालीम में, सेहत में, ज़राअत में, बाकी चीज़ों में कैसे काम करें। तो जो अब अभी स्टेज पे पहुंचे कि डेटाबेसिस बन गए, वो इमर्ज होना शुरू हो गए, तो हमें एहसास हुआ कि आपको एक ऐसी साइंस ईजाद की जाए जो अपने तौर पर एनालाइज करे डाटे। देखिए पहले क्या था, आपने डेटाबेस पे एक स्क्रिप्ट चलाया और उसने निकाल दिया कि जी जिला सगोदा के अंदर ये हो रहेगा, लेकिन वो वही था जो उसमें फीड हुआ था और वो वही था जो प्रोग्रामर ने प्रोग्रामिंग के जरिए निकाल के दिया था। इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ द क्वालिटी ऑफ आउटपुट वाज लिंक्ड विद द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द प्रोग्रामर, दैट्स इट। अब ये रिवर्स हो गया जब मशीन लर्निंग आई, तो अब चले थोड़ी सी मशीन लर्निंग के बाद से मैं नहीं कोशिश करता हूँ। एक बच्चा पैदा होता है तो जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो दिमाग से चीजें पूछता है, वो क्या करता है, वो चीज लर्न कर रहा होता है, ये चाहिए पानी की बोतल है, ये गिलास है, ये चाय की प्याली है। फिर इस तरह कॉन्सेप्ट आया कि हमने मशीन को लर्न कराना शुरू कर दिया। मशीन लर्निंग कैसे होती है मैं चाहूंगा रबिया इस पे आपको ज्यादा बेहतर बता सकती है अपने लेक्चर में, मशीन लर्निंग क्या होती है, वो टेक्निक चीज है थोड़ी सी, वो लर्न कराना शुरू किया। अच्छा, मशीन हमेशा पैटर्न लर्न करती है। अगर आप देखें ना फेशियल रिकग्निशन, तो वो क्या चीज है, वो आपके चेहरे के ऊपर वो होते हैं पॉइंट्स होते हैं, तो अगर एक इंसान अगर उसका फेशियल रिकग्निशन ऑलरेडी स्टोर हुआ है और वो दाढ़ी रख ले तो वो फिर भी मशीन पहचान लेगी उसको, क्योंकि जो उसके चेहरे के वाइटल्स हैं वो मेजर कर लेती है, फिर वो बताती है कि ये 95% क्लोज है, ये 90% क्लोज है, ये 80% क्लोज है। अच्छा, जब मशीन लर्निंग आ गई तो इंसान उससे एक स्टेप आगे आया कि अब मुझे डाटे को एनालाइज करना चाहिए। जब एनालिसिस में आया तो उसको ये एहसास हुआ कि तो बड़ा फास्ट एनालिसिस होता है, ये तो पैटर्न मैचिंग बड़ी तेज हो जाती है कि अच्छा जमील नामी आदमी जो कि गुजरात करने वाला है, वो जब भी लाहौर जाता है तो एक जुर्म हो जाता है, इसका मतलब इस शख्स का ताल्लुक है जुर्म के साथ, ठीक है। अब वो कैबिनेट ने पहचाना कि अच्छा जमील आया लाहौर गया, जब वापस जा रहा था तो पीछे कुछ गड़बड़ हो गई, तो इसका मतलब है कि अब ये लॉ एनफोर्समेंट में डाटा एनालिसिस आना शुरू हो गया, फिर गाड़ियों की लाइसेंस प्लेट आ गई, फिर मोबाइल फोन का डाटा आ गया। अब ये सारी डिफरेंट एंटिटीज थी। अगर आप में से किसी का डाटा बेस का एक्सपीरियंस है तो मैं थोड़ी सी बात वहां से करना चाहूंगा ताकि अगली बात आपको मेरी समझ में आ जाए। डेटाबेस कैसे बनता था, आमना मलिक ने कहा कि जी आप मुझे ना सोदा डेटाबेस बना दें, मेरा एक्शन लड़ना है। अब ये ठीक है बना देते हैं, आपने इससे पूछा क्या चाहिए, इन्होंने कहा जी मुझे ना ये मालूम चाहिए। इनकी जो इन्होंने आपको टॉक दी उसके बनाते हमने तीन चीजें तय की कि इनकी एंटिटी क्या है, इनकी एंटिटी थी ह्यूमन बींग, ये उसके क्या क्या चीज चाहती हैं, उसकी एज क्या है, वो करता क्या है, तनख्वाह क्या है उसकी, गरीब पॉवर्टी लेवल से कितना नीचे है, वो उसके बन गए एट्रीब्यूट्स। यानी एक एंटिटी इंसान होगी उसके एट्रीब्यूट्स बन गए, एट्रीब्यूट्स से बिल्ड होता है फिर मेटा डाटा। मेटा डाटा आपको सर्च में, अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम किया है तो वो हमेशा काम करता है मेटा डाटा के ऊपर, ठीक है। इसी बुनियाद के ऊपर फिर डाटा साइंसेस बिल्ड होनी शुरू हुई। अब आपको डाटे की अहमियत का एहसास हो गया, उसके बाद आपको हिस्ट्री पर चल गई कैसे हम यहाँ तक पहुंचे। आज जब हम जहाँ खड़े हैं, हमारा डाटा गीगाबाइट में नहीं है, टेराबाइट में नहीं है, जेक्टाबाइट्स के अंदर। क्यों? हमारा डाटा पहले इंसान फीड करता था। चलिए आप सब एंजॉय करेंगे, पहले ना हम काम करते थे कार्ड्स के ऊपर, आप तो सुन के हंसेंगे मेरी बात,
डेटा की मशीन नहीं होती थी, मैंने खुद काम किया IBM 360 मशीन के ऊपर, तो एक डेटा कार्ड कहते थे उसको, उसमें हम पंच करते थे कार्ड को, पंच कार्ड करते थे, वो पढ़ता था, कार्ड रीडर पढ़ता था उसको। तो जब पहली मरतबा CRT आई, यानी स्क्रीन आई छोटी वाली, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं GHQ में काम करता था किसी मशीन पे, तो बिल्कुल वो तकरीबन कोई 4 इंच बड़ी थी और कोई 2.5 इंच चौड़ी थी, बस इस तरह। तो मैं उसके सामने बैठा, मैंने ए टाइप किया ए लिखा आ गया, बी टाइप किया बी लिखा आ गया। आई वॉज सो एक्साइटेड, क्योंकि उससे पहले मैंने डाटा देखा ही नहीं था, डाटा कार्ड पे था। तो जब मैंने CRT पहले वह कार्ड देखा, तो अपने डाटा देखा, मैंने अपना नाम लिखा मार जा, तो मैं कहता तो नजर आता है ये, तो ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हिस्ट्री है कि पहला डाटा था ही नहीं, फिर डाटा इनविजिबल था, फिर डाटा में नजर आना शुरू हुआ, फिर ये सारी चीजें करी। देखिए दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आखिरी बात करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रोल है डाटा का, ये बता दूं पहले मैं आपको, ला में वही रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि डाटा एनालिटिक्स की बात करेंगे। डाटा एनालिटिक्स एक साइंस है, इसको समझना पड़ता है, ये वह समझ नहीं आती है, समझना पड़ता है डाटा एनालिटिक्स साइंस को। वो किस तरह कि सबसे पहले आप देखते हैं कि डाटा की क्वालिटी क्या है। आपके डाटा की क्वालिटी पुअर है, उसमें गार्बेज है, तो डाटा देखिए मुझे बताए कैसे, वो कहते पुरानी बात गार्बेज इन गार्बेज आउट, कैसे मुमकिन है कि डाटा की तो क्वालिटी पुअर। क्वालिटी क्या होती है, आप लिखें एज अप्रोक्सीमेटली 72 ईयर्स, आप यकीन करें एज रिपोर्टिंग की मैं आपको बड़ी मिसाल बात बताता हूँ। मैंने वहाँ एक जमाने में काम किया, हमने एक सेंसस फॉर्म भरा, तो हम पूछना कि हमारी डैडी उम्र कितनी हैगी, पुत्र उम्र तो मैंने पता नहीं है कि ये पता है कि जिस वाले बंदा चंद ते गया सी ना, ते मेरी 60 साल हुई सी, यानी उसने चांद याद रखा हुआ था बंदे का। अच्छा पुत्र जब पाकिस्तान बने आते मैं मेरी शादी हुई सी, बस जिस कोई डेट ऑफ बर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ये नादरा वादरा का आईडी कार्ड सिस्टम वाला नहीं था, ठीक है। इसका मतलब है वो डाटा क्वालिटी पुअर थी, ठीक है। आज जब आप बात कर रहे हैं तो आप चल नहीं सकते इसके बाद, हर जगह बायोमेट्रिक्स है, इसका मतलब आज की डाटा क्वालिटी बेहतरीन है। तो जितनी अच्छी आपकी डाटा क्वालिटी होगी, उतने अच्छे आपके डाटा एनालिटिक्स से रिजल्ट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है तो मसले कोई नहीं है, एकदम आपने प्रोग्राम स्क्रिप्ट रन किया। अच्छा अभी सारा काम होता कैसे, ये सब प्रैक्टिकली अभी आपको नबिया बताएगी। होता ये है कि आपका डाटा क्लाउड पे पड़ा हुआ, डाटा सारा क्लाउड पे, आप तो पता ही आपको फिजिकल तो सर्वर पे बहुत डाटा कवर रह गया, तो अब डाटा एक प्लेटफॉर्म है GitHub। GitHub के ऊपर जाकर आप छोटे छोटे पाइथन में स्क्रिप्ट लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी एक अमली मिसाल बताता हूँ। एक दवाई कंपनी शिकागो में थोड़ा सा काम कर रहे हैं उनके लिए, उन्होंने कहा जी आप हमारे डाटा के ऊपर ये बताएं कि जिस शख्स ने फॉर एग्जांपल ABC डिवाइस ABC मेडिसिन ली हमारी, तो उसके बाद वो कितने अरसे बाद ठीक हुआ, नंबर एक वो डाटा उन्होंने स्टोर किया होता है, नंबर दो उसने सप्लीमेंट्री दवाइयाँ कौन कौन सी ली। अब आप पूछेंगे इसका क्या फायदा, फायदा ये है वो ये देखते हैं कि किस उम्र के आदमी ने जब ये दवाई ली तो उसको क्या इफेक्ट हुआ, किस उम्र के आदमी ने जब ये दवाई ली तो उसने सप्लीमेंट्री दवाइयाँ कौन सी, इसकी बुनियाद पे मेडिसिन कंपनीज जो दवाइयाँ बनाती हैं वो अपनी पॉलिसीज बनाती हैं। इसका मतलब हुआ जो आमने सामने सवाल किया था कि कॉरपोरेट सेक्टर के लिए डाटा की क्या अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके हजारों उसके वो हैं आउटलेट्स हैं उसके, उसके लिए बहुत वरी है कि मेरी कौन सी चीज कहाँ जा रही है, तो वो कितने अरसे पहुंचती है वहां पर, क्या जो उसकी शेल्फ लाइफ है, पता लगा उसकी शेल्फ लाइफ है 4 महीने, वो पहुंची वहां 1.5 महीने के अंदर, तो वैसी शेल्फ ही खत्म होगी उसकी, या जब वो अपने शेल्फ पे पहुंची वो चीज तो वो कितनी जल्दी लोगों के घरों में गई, कस्टमर ने क्या फीडबैक दिया, इसकी बुनियाद पर लोग अपनी कस्टमर रिस्पॉन्स पॉलिसीज बनाते हैं। देखिए मसला सारा ये है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए वो क्यों क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर वो कुछ चीज बना के बेच रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके लिए बहुत जरूरी है ये बात कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि नहीं। अगर एक कंपनी के CEO को ये पता ही नहीं है कि मेरे कस्टमर सेटिस्फाई हैं, वो क्या कंपनी चलाएगा। उसके बाद लोगों की नीड्स चेंज होती हैं, इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, डिफरेंट चीजें चेंज होती हैं, उसके अंदर अगर वो उसको फीडबैक नहीं पता, फीडबैक कहाँ से आता है, उसके कस्टमर से आता है। मैं दुनिया का बेहतरीन सेलफोन बना लूँ अपने घर के, जब तक वो कस्टमर के हाथ में नहीं जाएगा ना, मुझे खाबी नहीं पता चलेगी। मेरा स्टाफ तो आगे मुझे कहेगा सर ये दुनिया का बेहतरीन सेलफोन, लेकिन वो जब कस्टमर के हाथ जाएगा ना वो बताएगा मुझे कि इसका रिस्पांस टाइम कम है, इसकी विजुअल कम है, इसमें फलन बग है, इसमें ये है ये। आपको वो कहाँ से पता चलता है, वो डाटा की बुनियाद से पता चलता है।
आप लोग ये क्यों आप जाए डिपार्टमेंट स्टोर में कहते हैं जरा ये फॉर्म भर दें अपना, कि क्यों बच्चियां फिरती हैं कि जरा फीडबैक दे दें अपना, क्योंकि उसकी बुनियाद पे लोग अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, वो फीडबैक को मैच करते हैं अपने डाटा के साथ ना, फिर वो बताते हैं कि जी हमें इस चीज में ये चेंज करनी चाहिए, इसी में चेंज करनी चाहिए। आखिरी बात मैं करूंगा, फिर मैं चाहूंगा आप लोग प्रैक्टिकली चीज सीखें कि इस वक्त दौर है पाकिस्तान में फास्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैं रिपीट करूँ फास्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप यंग लोग हैं, कल ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया आपके कामयाब जवान प्रोग्राम के लोन के, जाहिर है आप अगर लोन लेना भी चाहेंगे तो किसी काम के लोन लेंगे ना, अगर आपने कोई जाली कागज साबित करा के लोन ले भी लिया, आपने काम ना किया तो इससे बड़ा जुल्म नहीं जिंदगी में आपने, सारी उम्र के लिए आप डिफॉल्ट कर जाएंगे, आप में बाबा कार्ड फिट हो जाएगा जी ये बंदा डिफॉल्ट करता है जिंदगी बनना कार्ड बनेगा आपका ना, इसका मतलब है अगर आपने ये काम किया कि बगैर प्लानिंग के लोन लिया तो यू आर प्लानिंग टू फेल एंड नोबडी प्लान्स टू फेल एटलीस्ट, इसका मतलब है आपको काम आना चाहिए। जब आप अपना पर्ट लेके जाए गवर्नमेंट के पास तो आप कहें मेरी तालीम यह है मैं ये काम करना चाहता हूँ इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, देखिए गवर्नमेंट 3% मार्कअप रखा है, मैं कहता अमेजिंग है, किसी मुल्क में नहीं है दुनिया के 3% मार्कअप पे आपको लोन दे रहे। दो लैंग्वेजेस वर वेरी क्लोज टू द मशीन लैंग्वेज, तो कहते थे फोटोन जो थी वो बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज थी, फिर कोबोल आई कॉमन बिजनेस रूटीन लैंग्वेज वो हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन जो है वो एक वक्त में लो लेवल भी और हाई लेवल भी। चूंकि आज उसका मौका नहीं है वरना मैं डिटेल से बात करता आपके साथ कि पाइथन पढ़ने का क्या फायदा होगा, आपको वो आना चाहिए, फिर आपको उसकी स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई प्लेटफॉर्म आना चाहिए जो मैं समझता हूँ दुनिया का आसान तरीन प्लेटफॉर्म गेटाबेस पर, उस पर काम करना आना चाहिए, क्योंकि उस वक्त क्या होता है अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो जो आपका मेंटोर है जो देख रहा है आपको वो 100 के 100 अच्छा उसके अंदर उसे कहते हैं कि चेन ऑफ वो नजर आता है कि आपने 3 महीने पहले क्या किया था, 2.5 महीने पहले क्या किया, किस चीज को आपने डिलीट कर दिया था, क्या किया था क्या किया था क्या किया। बस इसके बाद मैं खामोश रहूंगा, मैं चाहूंगा आप राबिया ने बहुत तैयारी की हुई है ये बोले इसके ऊपर, मैं सुनता जरूर रहूंगा वीडियो ऑफ करके अपनी, अगर आपको आपका क्वेश्चन होगा तो वो मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा, अगर बिफोर आई फिनिश किसी को सवाल है तो मुझे जरूर बताया मैं जवाब देने को तैयार हूँ, लगता है जरूर सवाल करना है मेरे से, लगता है सही है, चलिए आप पैनलिस्ट जो है उनके सवाल जो है वो चैट में है टेक्स्ट में है वो हम देख भी सकते हैं। एक सवाल मेरा है अमार साहब, आपकी बातों से मुझे याद आया कि व्हेन आई डिड माय ग्रेजुएशन एंड मैंने सीएसएस के एग्जाम्स दिए थे तो उसके बाद आई हैड अ चांस के जैसे बच्चे शॉर्ट कोर्सेस करते हैं तो मैंने उस टाइम ओरेकल का बेसिक कोर्स किया था और टेरा डेटा जो है एनसीआर का ऑफिस पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुआ था, ये अर्ली 2000 की मैं आपको बात कर रही हूँ, तो उस टाइम एसक्यूएल जो था वो बेस था टेरा डेटा को हैंडल करने के लिए। फिर हमने खुद अपनी कई कंपनीज के अंदर डेटा सेंटर्स डेवलप किए जो बकायदा सर्वर्स लगे होते थे और सारा कुछ। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो डेटा साइंस है ये इससे इसके और उनके दरमियान का जो टाइम है वो मेरा मिसिंग है, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या डेवलपमेंट हुई और क्या हुआ, तो थोड़ा सा अगर आप वो भी हाईलाइट कर दें क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने टेरा डेटा की सर्टिफिकेशन की थी तो मुझे उस जमाने में तमाम कॉलेजेस ने, जबकि मैंने बेसिक सर्टिफिकेशन की थी तो तमाम कॉलेजेस ने और यूनिवर्सिटीज ने उस टाइम बुलाया था एंड इट वॉज वेरी रेयर एट दैट टाइम, बट उसके बाद आई वॉज आउट ऑफ दिस थिंग तो मुझे अब आइडिया नहीं है, तो आप थोड़ा सा बताएं क्योंकि मे बी तो इसका प्रैक्टिकल यूज ना लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है और ये आज के इवेंट बहुत इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से। अच्छा अभी टेरा डाटा की बात की तो मुझे एक बात याद आ गई, 2007 के अंदर टेरा डाटा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए थे 5, अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज वन ऑफ इट्स अवार्डी एट दैट टाइम, उसमें उस वक्त के नादरा चीफ ब्रिगेडियर साहब उनको मिला था, इस तरह सलीम वही साहब को मिला था, 5 लोगों को मिला था, उसका नाम था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2007 के। टेरा डाटा गलबन वाहिद कंपनी आज भी है जिन्होंने बहुत काम किया है डाटा के हवाले से। अभी आपने जिस मिसिंग पीरियड की बात की तो थोड़ी सी एक पेनफुल बात आपको बताऊंगा, हम आज बहुत आगे होते दुनिया के अंदर अगर वो सर्वर अपना काम शुरू कर देते जो कि 80s में आए। आप यकीन कर लें, मैं तो चाहता हूँ कि कोई नैब वाला इस पे इंक्वायरी करे क्यों वो सर्वर बंद पड़े पड़े क्यों, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मैं
अब आप मुझे लाइव प्रोग्राम पूछ रही है, पता नहीं कौन कौन पीछे लग जाएगा मेरे। अच्छा अब मसला ये है इसके अंदर कि ये किसके लिए इस मुल्क की, मैं तो बच्चों को बता रहा हूँ चीजें ताकि ये गलतियां ना करें। देखें ये जरूरी बात है आपको बताना कि हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट डायरेक्टरेट ठीक है बना चुके थे 70s के, मुझे अभी तक याद है F72 की एक प्राइवेट कोठी में गवर्नमेंट ने दफ्तर लिया था 70s के अंदर, दुनिया में कहीं नहीं थी, हमने बनाई थी। जरा किसी बड़े ने खाब देखा होगा, नहीं मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं था, मैं सिर्फ देखने गया था उसको ठीक है। एक बहुत ही अब मुझे नाम भी भूल गया, बहुत ही काबिल एहतराम से थे, उन्होंने कहा जी मैं हेड हूँ इसका ये, तो मैं अपने शौक में उनको कुछ नहीं, जिसको आज आप NITB कहती हैं ये उसका ऑफिस था बेसिक। अच्छा अब गवर्नमेंट EGD से लेकर NITB का जो सफर है वो बड़ा पेनफुल है कहीं कहीं। 3-4 दफा इनकी इंक्वायरीज हुई, मैं भी इन्वॉल्व रहा एज FIE ऑफिसर, लेकिन मेरे लिए पास जो मालूम है तो बड़ी पेनफुल मजाक के लगा, बट दैट इज अ स्टोरी ऑफ बैड गवर्नेंस ठीक है। बस मुझे इतना पता है कि अगर वो 4 सर्वर्स लग जाते जो दुनिया के मशहूर तरीन और महंगे तरीन सर्वर्स थे, जो नहीं लगे वो बड़े बड़े डब्बों में, मुझे नहीं पता किस स्टोर में पड़े होंगे, किसी ने बड़ी हिम्मत करके उनको मंगवाया था जिस दौर की आप बात करी थे, दैट इज द मिसिंग लिंक। मैं कहता हूँ ना कि हम आजकल बड़ी इंक्वायरियों की बातें कर रहे हैं, तो कोई तो हिम्मत करेगा आगे आए कि यार हम पहुंचे कैसे यहाँ तक इतनी बैड डेटा गवर्नेंस के अंदर। मुझे इतना पता है कि मैं कहता हूँ अल्लाह ताला यानी कि इनको बिल्कुल कामयाबी दे, अगर नादरा ये काम ना करता इस वक्त तो शायद आज हम बहुत पीछे होते। वी मस्ट थैंक नादरा फॉर दैट। अब मुझे एक एजाज हासिल है कि मैं नादरा का पहला ग्रेड 17 ऑफिसर हूँ, ये बड़े फख्र से बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ने 3 अफसर लिए थे 19, 18 और 17 के, मैं ग्रेड 17 में था, मेरी 24-25 साल की उम्र थी, तो मैं नादरा का पहला ग्रेड 17 ऑफिसर, इसलिए मैं हमेशा नादरा की फख्र से बात करता हूँ। लेकिन जहर मैं छोड़ गया था, बाद में और लोगों ने चलाया उसको, तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि वी मस्ट थैंक नादरा फॉर इट। उसके बाद ये आपका जो पासपोर्ट है आज मशीन रीडेबल, ये बहुत वैल्यूएबल चीज है, वरना बहुत पीछे होते। फिर एयरपोर्ट सिस्टम्स हैं आपकी, ये इसका मतलब है हमारी कोई सक्सेस स्टोरीज नहीं, बच्चों को बताना चाहिए जहां जहां किसी ने पेन लिया और उसने एक्सर्ट किया अपने आप को, हमने अपनी जान मारनी पड़ती है, बिल्कुल आपको मिट्टी बनाना पड़ता है कुछ चीज बनाने के लिए। जिन लोगों ने उसमें जान मारी वो चीजें बन गई, लेकिन जिन लोगों ने अनलक्की बात यह कि जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने बंद सर्वर्स को स्टोरों में भिजवा दिया, उनको किसी ने नहीं पूछा इसमें। लेकिन आज हिम्मत नहीं आनी चाहिए, मैं समझता हूँ नादरा की सूरत में बहुत वैल्यूबल डाटा है हमारे पास। मैं एक रिसर्च पे काम कर रहा हूँ और मैंने चेयरमैन नादरा को ये पैगाम भी भेजा है कि अगर हम नादरा के डाटा के ऊपर बच्चों को डाटा एनालिटिक्स अलाउ कर दें विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आज टॉपिक नहीं है, अब वो परेशान बैठी है कि कब बात खत्म करेगा तो अपनी बात शुरू करूंगी, तो इसलिए अगर नादरा, देखें हर डेटा के 3 व्यूज होते हैं, यूजर व्यू, उसका स्कीमा व्यू और उसका बैकएंड सर्वर व्यू। सर्वर व्यू जरा कोई एक्सेस नहीं देगा आपको, स्कीमा भी रखे, जो उसके यूजर व्यूज है ना नादरा के डेटे के, इसके ऊपर आप भी लॉबिंग करें, अगर वो उसको ब्लॉकचेन एनेबल्ड करके, ब्लॉकचेन एनेबल का फायदा ये होगा कि उसको मैनिपुलेट नहीं कर सके। उसके ऊपर मैं काफी रिसर्च कर रहा हूँ और बाहर के काफी लोग इंटरेस्टेड हैं इस पार्ट पे काम करने के लिए। तो क्या होगा, जो बच्चे डेटा साइंस सीख रहे हैं ना, तो ये फिर उसके ऊपर आराम से रिसर्च कर सकते हैं। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आज इन बच्चों को अलाउ कर दें हम कि ये जो उसका यूजर व्यू है उसका नादरा के डेटे का, जो अगर आप देखें ना जो एक्सेस टू डेटा राइट तब यही था ना कि आपको एक्सेस हो कि इस जिले के अंदर कितनी मजदूर लोग हैं, इस जिले के अंदर कितने लोग हैं कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आएंगे। भाई जाहिर है अगर आप $125 से कम कमा रहे हैं पॉवर्टी लाइन से नीचे आएंगे। तो कहने का मतलब ये है अगर इन बच्चों को हम अलाउ कर दें कि ये नादरा के डाटे के ऊपर जो यूजर व्यू है उसके ऊपर डाटा एनालिटिक्स कर सके तो दे कैन डू अमेजिंग थिंग। क्योंकि पता क्या होगा, हमारी सोच फिर पुरानी है, वो हम जितना मर्जी अपने आप को नया करने की कोशिश करें, हम फिर कहते हैं ना कि यू हैव टू अनलर्न बिफोर यू लर्न, तो हमारी मुश्किल ये है कि हम अनलर्न नहीं कर रहे चीजों को ना, हम जब अनलर्न करते हैं डर जाते हैं। तो ये बच्चे तो लर्न नहीं करने के मूड में ना भाई, आई एम सॉरी को लाइट बेल्ट का चक्कर है यहाँ पे, UPS पे आ गया घर हमारा। एक क्वेश्चन और है, किसी स्टूडेंट ने किया है कि टेंसर फ्लो का यूज डेटा साइंस में क्या है, या राबिया बता दें या मार साहब बता दें। नहीं ये राबिया डिटेल में बता, डिटेल में बताएंगे राबिया टेंसर फ्लो के बारे में, तो फिर राबिया आप ऑन कर लें, ऑन करें अपनी आवाज, अपना माइक ऑन कर लें, तो टेंसर फ्लो का बता देंगे आप टेंसर फ्लो के बारे में।
ठीक है, अभी आप बताएंगे टेंसर फ्लो के बारे में, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बताने की वो टेम्पलेट है, टेम्पलेट है बेसिकली जी, ये टेम्पलेट है बेसिकली, बल्कि आप ऐसे कहिएगा टेंसर फ्लो की वो टेम्पलेट दिखा दीजिएगा ताकि इनको प्रैक्टिकल आइडिया मिल जाए, ठीक है जनाब, और क्वेश्चन तो नहीं है, चलिए बहुत शुक्रिया, गुड लक टू रवि, गुड लक टू रवि, मैं सुनता रहा, गुड लक, गुड लक, थैंक यू, शुरू करें आप, शुड आई स्टार्ट, जी जी श्योर श्योर, शुरू करें, थैंक यू रबिया, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज रबिया कमल, आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर पाकिस्तान, टुडे वर्कशॉप टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू डाटा साइंस एंड डाटा एनालिटिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा क्या है। डाटा जो होता है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म में है या अनस्ट्रक्चर फॉर्म में है, ये हमें जब हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके बाद पता चलता है। जैसे कि हम, मैं जिस टाउन में रहती हूँ, तो मुझे मैंने अगर इसका डाटा कलेक्ट करना है तो पहले मैंने इसको देखना होगा कि ये स्ट्रक्चर फॉर्म में या अनस्ट्रक्चर फॉर्म में है। मतलब अगर अनस्ट्रक्चर डाटा कौन सा होता है कि मुझे नहीं पता कि इस इधर कितने लोगों के पढ़े लिखे हैं, कितने लोग इसमें एजुकेटेड नहीं है, कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, ये हमारे पास आ गया अनस्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा क्या होता है कि मुझे पता हो कि मेरे टाउन में मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है उसमें अगर इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने लोग जो है मेल्स हैं, इतने हमारे पास फीमेल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो गया डाटा। डाटा के जो हमारे पास पहले डाटा होता था वो एक्सेल की शीट्स में हमारे पास डाटा होता था, क्योंकि हमारे पास डाटा की अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती थी। डेटा की अमाउंट हमारे पास जब ज्यादा हुई, जब हमारे पास इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के बाद हमारे पास जब इसका यूजेज ज्यादा आ गया, यूजेज लाइक हमारे पास फेसबुक आ गई, हमारे पास ट्विटर आ गया, हमारे पास एप्लीकेशंस आ गई, जैसे अब आईओटी की डिवाइसेज हैं वो भी हमारे इंटरनेट के जरिए ही ऑपरेट हो रही हैं, डिवाइसेज आपस में कनेक्ट होती हैं थ्रू इंटरनेट, उसका सारा डाटा इंटरनेट पे जाता है, जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं उसमें आईओटी का यूज हो रहा है, उन सबका डाटा जो जा रहा है वो इंटरनेट पे, उसके सर्वर्स पे जा रहा है डाटा, वो सारा डाटा गैदर हो रहा है, तो डे बाय डे डाटा ज्यादा हो रहा है। पहले हमारे पास डाटा इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का यूजेज नहीं था, लेकिन अब हमारे पास डे बाय डे डाटा ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का यूजेज ज्यादा है, हमारे पास एप्लीकेशंस बहुत सारी आ गई हैं, हम बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास उसी लिहाज से डाटा भी आ रहा है, हमारे पास पॉपुलेशन भी ज्यादा हो गई है, पहले हमारे पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, इंटरनेट लोगों के पास था लेकिन लिमिटेड लोगों के पास था, अब इंटरनेट की एक्सेस मोस्टली लोगों के पास है, मोस्टली लोगों के पास अपने गैजेट्स होते हैं, जैसे पहले हमारे पास मोबाइल का इस्तेमाल इतना ज्यादा आम नहीं था, अब हमारे पास तकरीबन हर बंदे के पास मोबाइल होता है और वो डिफरेंट एप्स यूज कर रहा होता है, उससे डाटा जनरेट हो रहा है इंटरनेट पे, ये हमारे पास हो गया डाटा। और मैंने इसकी आपको दो टाइप्स बता दी, डाटा स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डाटा की आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दी कि डाटा की टाइप्स कौन सी हैं। अब हमारे पास आ गया डेटा साइंस की, तो हमारे पास डेटा साइंस क्या है, हमारे पास डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन है, साइंस हमारे पास के हम जितने डिफरेंट मेथोडोलॉजीज के जरिए प्रेडिक्शन करते हैं कि आने वाले वक्त में इस चीज़ का ये इस तरह के हमारे पास बेनिफिट्स होंगे, इस तरह के ड्रॉबैक्स होंगे, तो डेटा साइंस जो है वो हम डेटा को एनालाइज करके प्रिडिक्शन करते हैं कि ये फ्यूचर में हमारे पास ये चीज़ें आने वाली हैं, कि डेटा का प्रिडिक्शन हो रहा है, डेटा साइंस में जो हमें डेटा प्रोवाइड हो रहा है उसकी बेसिस पे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो मतलब अब डिफरेंट बिजनेस कंपनीज अपनी डेटा की डेटा साइंस क्यों यूज़ कर रही हैं कि वो प्रिडिक्शन कर रही हैं कि उनके कस्टमर्स की नीड क्या है, उनके कस्टमर्स को क्या चीज़ आगे ज़रूरत है, कौन सी प्रोडक्ट्स उनको लेनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट्स उनको स्किप कर दी देनी चाहिए, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था डाटा साइंस क्यों जरूरी हो जाएगा कि उसकी आपको मैंने एग्जांपल भी दे दी है कि हर कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपने कस्टमर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बेस पे करेगा, उसका उसको ये फायदा होगा कि उसको कंपनी का लॉस कम होगा, कंपनी को अपने कस्टमर्स की नीड्स पता चल जाएंगी। और सेकंड मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देती हूँ डाटा साइंस की, वो है हमारे SDGs के 17 गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने 2015 में बनाए थे, जो 17 गोल्स हैं,
17 से ज्यादा भी बन सकते थे, 17 से कम भी बन सकते थे, या 17 मतलब क्यों बनाए गए? ये कोई एक टेबल टॉक के जरिए नहीं बनाए गए होंगे, ये डिफरेंट कंट्रीज का डाटा कलेक्ट हुआ है जिसकी बेसिस पे उन्होंने एनालिसिस करके प्रिडिक्शन की है कि फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं, आप ये इनकी इन कंट्रीज को इस तरह की इनको अपने आप को सस्टेन करने के लिए ये स्टेप्स उसको रिक्वायर्ड होंगे, ये चीजें इनको रिक्वायर्ड है, देन वो सस्टेन कर सकेंगी। तो उन सबके उन्होंने हर अपने SDG में अपने इंडिकेटर्स भी बता दिए हैं। वो SDGs बेस्ट एग्जांपल है डाटा साइंस के, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज का डाटा कलेक्ट किया है, उसकी बेसिस पे ये SDGs के 17 गोल्स बनाए हैं कि उन्होंने ये 17 गोल्स अपने हर कंट्री के डाटा की बेसिस पे बना दिए हैं। ये तो डाटा साइंस की ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि SDGs के 17 गोल्स। देन हमारे पास आता है डाटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या है कि हमारे पास कोई भी डेटा होता है उसको हम एनालाइज करके उससे हम इंफॉर्मेशन जो निकालते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, उसके बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। मतलब कोई भी कंपनी है उसका उसके पास उसका डेटा मौजूद है, वो उसको उसके डेटा एनालिसिस करके अपने अपने लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के उसकी बेसिस पे जो अपनी कंपनी की डिसीजन मेकिंग करेगा वो ज्यादा उसकी अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी, ना कि वो सिर्फ एक कंपनी एक रॉ फॉर्म में उसके पास डाटा है या सिर्फ ओनली उसके पास डाटा है उसके बेसिस पे उन्होंने एक अपनी टेबल टॉक करके डिसीजन मेकिंग करी, वो डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी कि वो एक टेक्निक के जरिए एक प्रोसेस के जरिए डाटा को एनालाइज करके उसकी डिसीजन मेकिंग करवाएंगे। प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिटिक्स, प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिटिक्स में हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ डाटा पहले आता है, फिर हम इसमें आती है डाटा की क्लीनिंग, फिर हम इसमें थर्ड पॉइंट जो है डाटा की मैनिपुलेटिंग है, फोर्थ जो है डाटा की एनालाइजिंग है, एंड लास्ट जो है विजुअलाइजिंग है। कलेक्टिंग ऑफ डाटा की कंपनी अपनी डाटा जो कलेक्ट करती है वो उसका कंपनी का कोई भी डाटा होता है वो उसको कलेक्ट कर रही है, मतलब उसके बाद उसकी क्लीनिंग का प्रोसेस आता है। क्लीनिंग का प्रोसेस क्यों, सबसे जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है वो क्लीनिंग का होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि क्लीनिंग में आपके पास जो डाटा आपने जो कलेक्ट किया है उसकी क्लीनिंग क्यों जरूरी होती है, क्योंकि उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी हो जाती है, कोई भी नल वैल्यूज होती हैं या कोई भी इनकंसिस्टेंसी होती है जिसको आपको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपके पास डाटा क्लीन फॉर्म में नहीं होगा आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। देन आप उसकी डाटा मैनिपुलेटिंग करते हैं। डाटा मैनिपुलेटिंग मतलब डाटा के आप ऑर्डर्स बनाते हैं, डाटा को आप मैनिपुलेट करते हैं ऑर्डर्स की फॉर्म में। आपने क्लीनिंग कर दी, आपने उसको मोर रिफाइंड फॉर्म जो क्लीनिंग की है वो उसकी मैनिपुलेटिंग है कि आप डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं आगे। देन हमारे पास आ जाता है डाटा एनालाइजिंग। डाटा मैनिपुलेट आपने कर दिया, एक ऑर्डर में आपने डाटा अपना कर दिया, देन आप उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक डाटा का ऑर्डर बन गया है। अब उसको एनालाइज करना है कि कौन सा डाटा आपके लिए यूजफुल है, किसकी किस डाटा की बेस पे आप उसकी एनालिसिस कर सकते हैं या फिर प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप डिफरेंट चार्ट्स, पाई चार्ट्स और डायग्राम्स के जरिए आप बताते हैं कि ये हमारे पास डाटा था, इसकी क्लीनिंग करके ये हमने विजुअलाइजेशन में आप बताते हैं कि ये हमारे पास यूजफुल डाटा, ये चीज़ हमारे पास यूजफुल नहीं है। तो उस बेसिस पे कोई भी कंपनी अपनी डिसीजन मेकिंग करती है। तो डाटा एनालिसिस भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड इस वजह से होगी कि कंपनी अपनी डिसीजन मेकिंग इसकी डाटा एनालिटिक्स के जरिए अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकती है, अपने कस्टमर्स को अच्छी तरीके से वो कैटर कर सकती है, ना कि वो एक सिंपल डिसीजन मेकिंग के जरिए अपनी कंपनी का फीडबैक जो एक ले ले उसके जरिए कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग एक तो उसकी वेस्ट होगी कि उसको नहीं पता कि उसके कस्टमर को फ्यूचर में क्या चाहिए, उसको नहीं पता कि उसके कस्टमर को उसकी कौन सी प्रोडक्ट अच्छी लग रही है। लेकिन जब वो कस्टमर का डाटा कलेक्ट करके उसमें अपनी एनालिसिस करता है तो वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बेस्ट हो जाती है, वो अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट करने के लिए फिर अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करता है। वट इज़ बिग डाटा? बिग डाटा क्या है कि पहले हमारे पास जो डाटा था वो हमारे पास
एक्सेल की शीट्स की फॉर्म में होता था, हमारे पास डाटा इतना ज्यादा नहीं होता था क्योंकि इंटरनेट से पहले जैसे मैंने आपको बताया डाटा इतना ज्यादा नहीं था, डाटा कंपनीज का डाटा होता था वो एक्सेल की फॉर्म में होता था, कस्टमर्स इतने ज्यादा नहीं थे। जिस तरह अब डे बाय डे ग्लोबल विलेज दुनिया बन गया, अमेजोन है, अलीबाबा है, इन ये सारी जो कंपनीज हैं ऑनलाइन कंपनीज हैं, इनका डाटा जो है वो इंटरनेट के जरिए हम शॉपिंग कर रहे होते हैं तो उनका डाटा ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो रहा है, ना कि एक जो कस्टमर एक आम सी शॉप पे जाता है वो उसका डाटा वो किसी एक्सेल शीट की शीट पे भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया से लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं तो वो काफी तादाद में डाटा जनरेट हो रहा होता है। या फिर आप IoT डिवाइसेस का ले लें कि अगर स्मार्ट सिटीज में IoT डिवाइसेस लगेंगी तो ट्रिलियंस ऑफ डाटा लोग जनरेट होना शुरू हो जाएगा लोगों का, क्योंकि कम्युनिकेशन कर रही होंगे वो अपने इंटरनेट के थ्रू, तो इंटरनेट पे हमारा डाटा ज्यादा से ज्यादा जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो वो बिग डाटा हो जाएगा। मतलब अब डाटा हमारे पास स्मॉल अमाउंट में नहीं है, हमारे पास बिग अमाउंट में है, तो हम उस डाटा को किसी कन्वेंशनल तरीके से उसके एनालिसिस या उसमें से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो बिग डाटा भी हम जब हमारे पास डाटा की वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, हमारे पास डाटा का वेलोसिटी ज्यादा जाती है, बेसिकली इसको 3V कहा जाता है, वॉल्यूम और हमारे पास पहले इसका आता है वॉल्यूम होता है, फिर वेलोसिटी आती है कि हमारे पास किस रेट से डाटा आ रहा है। तो हम डिफरेंट मेथोडोलॉजीज और टेक्निक्स यूज करके फिर उस डाटा में से अपने यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो बिग डाटा में भी यही है कि जब हमारे पास ज्यादा डाटा आ जाता है तो हम उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड बिग डाटा। देन हमारे पास है यूज केसेस ऑफ डेटा साइंसेस। यूज केसेस में हमारे पास जो सबसे ज्यादा हमारे पास पहले सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, फिर सिलीनियस है, देन हमारे पास डिलीवरी लॉजिस्टिक्स है, नेटफ्लिक्स है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूज केसेस थे, लेकिन मैंने आपको ये चार यूज केसेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग और इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताए हैं। इसके अलावा भी गूगल असिस्टेंट है, गूगल के काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो डाटा साइंसेस में डाटा साइंस हम यूज़ कर रहे हैं गूगल के प्रोडक्ट्स में। गूगल तो गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार भी डाटा साइंस को ही यूज़ कर रही है, उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो एक प्ले करनी है। वजाहत कैन यू प्ले विद द वीडियो फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स? थैंक यू। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का यूज केस आपने देखा है, मैंने आपको इसमें काफी अच्छे से उन्होंने गूगल की जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है कि वो कैसे इंटरनेट के थ्रू इस कार को चला रहे हैं, कि उसके सारे ऑपरेशंस जो हैं वो उन्होंने अपने सर्वर के जरिए इसको ऑपरेट किया हुआ है सेल्फ ड्राइविंग कार को। सेकेंड हमारे पास इसके यूज केस हमारे पास एक आता है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जैसे एक वेबसाइट है वो क्यों इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है? नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी की वजह ही डेटा साइंस है कि आप जब उसको पे कोई भी नेटफ्लिक्स पे आप जाके रजिस्टर कराते हैं, एक क्लिक कोई भी क्लिक्स करते हैं और जिस लोकेशन पे आप अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और जो सीरीज आप ज्यादा से ज्यादा लोग देख रहे होते हैं उसकी बेसिस पे वो अपने फ्यूचर प्रेडिक्शंस करके नेक्स्ट सीरीज लाता है। कि नेटफ्लिक्स ने ज्यादा इतनी ज्यादा मतलब 100 मिलियन नेटफ्लिक्स के सब्सक्राइबर्स है इस वक्त, वो क्यों है कि इनके इन्होंने डाटा साइंस यूज की, अपने कस्टमर्स इनके कस्टमर्स ने जिस चीज को ज्यादा वॉच किया उसकी बेसिस पे इन्होंने नेक्स्ट सीरीज को लॉन्च किया। थर्ड हमारे पास आ जाता है डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, मतलब डिफरेंट जो लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, फेडेक्स है, MNP है, ये भी डाटा साइंस ही को यूज कर रही है। अपने रूट को डिफाइन करते हैं कौन सा बेस्ट रूट है जिसके जरिए ये डिलीवरीज कर सकते हैं, मतलब कस्टमर्स को जल्द से जल्द आप डिलीवरी कैसे कर सकते हैं अपने उनके लॉजिस्टिक्स को। थर्ड फोर्थ जो हमारे पास आता है मिसिलेनियस। मिसिलेनियस क्या है कि हमारे पास जो भी कस्टमर्स शॉपिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, या फिर वो जितनी भी मतलब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं, हेल्थ केयर की अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं, या फिर कोई हम डिफरेंट रूटीन में जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं
वो उस उस उसको डाटा साइंस के जरिए हम कैसे उसकी अपनी प्रिडिक्शन, मतलब सेल्स, अब कस्टमर्स जो डिफरेंट अपनी शॉपिंग कर रहा होता है उसकी, उस बेसिस पे उसकी सेल्स एंड परचेज की बेसिस पे प्रिडिक्शन, उसकी प्रिडिक्शन की जाती है कि कौन सी चीज़ उसको फ्यूचर में उनको लानी चाहिए, कौन सी चीज़ उनको स्किप कर देनी चाहिए। तो ये हमारे पास डाटा साइंस का एक और यूज़ के साथ आ जाता है कि उन्होंने एनालाइज किया कि ये चीज़ हमें अपनी शॉप में से ये या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग इस चीज की रोक देनी चाहिए, और जो कस्टमर की ज्यादा डिमांड है उसको हमने, मतलब फ्यूचर में वो वाली प्रोडक्ट उसको लॉन्च करनी चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है यूज ऑफ डेटा साइंस टुडे। डेटा साइंस का टुडे में यूज, जैसे हमारे पास अब उबर और करीम की एक बड़ी अच्छी मिसाल हमारे पास है कि उबर एंड करीम ने किस तरह इतना बिजनेस अपना ग्रो कर लिया। तो अगेन उबर एंड करीम ने भी अपने डाटा को यूज किया, मतलब उनके पास जो कस्टमर का डाटा था उसने उसी चीज को यूज करके अपना, उबर एंड करीम ने अपनी ये ऑनलाइन ऐप और को इतना एक्सटेंड करके इतना ज्यादा बिजनेस जनरेट कर लिया कि उन्होंने अपने, मतलब जैसे अब पाकिस्तान में जब उबर और करीम आई, वो पहले इस्लामाबाद या फिर मेन मेन सिटीज में थी, एडजेसेंट सिटीज में उबर एंड करीम इतनी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके कस्टमर्स की नीड एडजेसेंट एरिया में भी हैं, तो उन्होंने ये चीज एक्सटेंड कर दी। तो ये इस चीज की वजह से उनके कस्टमर भी ज्यादा हुए और उनका जो है बिजनेस भी ज्यादा हो गया। और उसके अलावा जब आप उबर या करीम की राइड कराते हैं तो वो आपको बेस्ट रूट बता देता है, वो आपको बता देता है इस रूट पे ज्यादा ट्रैफिक है, इस रूट पे कम है। तो वहां पे भी उन्होंने डाटा साइंस यूज की हुई है, डाटा को यूज करके उन्होंने देखा कि मीन्स के गूगल मैप जो उस ऐप में यूज हो रहा है वो भी डाटा साइंस को ही यूज करके एक बेस्ट रूट आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। देन आपकी वो उस रूट को देख के आपकी वो कैलकुलेशन करता है कि इतने रेट पे आप यहाँ जा सकते हैं और इतने रेट पे आप यहाँ जा सकते हैं, वो भी डाटा साइंस की ही एक एप्लीकेशन है और उसका एक यूज है। फ्यूचर स्कोप ऑफ डाटा साइंस, फ्यूचर में डाटा साइंस का स्कोप क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले भी, मतलब फ्यूचर का स्कोप डाटा साइंस में कैसे ज्यादा है कि डाटा दिन ब दिन ज्यादा होता जा रहा है। प्रेडिक्शन की बेसिस पे जो प्रेडिक्ट किया गया था कि 2020 में जो यूजर होंगे इंटरनेट के, वो 1 सेकंड में 1.2 MB का डाटा यूज करेंगे। अगर हम 1 सेकंड में 1.2 MB का डाटा यूज कर रहे हैं तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक यूजर दिन में कितना डाटा जनरेट करवा रहा है। मतलब हम अब जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में हम ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। जैसे हम अब वेबिनार्स कर रहे हैं तो हमने भी ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट का यूज कर दिया है, हर तरफ इंटरनेट का यूज ज्यादा हो रहा है और इंटरनेट पे दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा, मतलब कोविड-19 की सिचुएशन में रूटीन टाइम से ज्यादा डाटा जनरेट हो गया है। और फ्यूचर में भी, मतलब अब आप जिस तरह आप प्रिडिक्शन की गई है कि अब अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करेंगे तो अब एफिशिएंट इंटरनेट को यूज करके एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, ना कि आपको अब इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। अगर आपके पास कोई भी इस तरह की कोविड की सिचुएशन आ सकती है तो आप अपने बिजनेस को या भी अपने ऑफिस को अपने घरों में भी शिफ्ट करके इंटरनेट के जरिए अपने सारी चीजों को ऑपरेट करा सकते हैं। तो फिर उस चीज का हर चीज वो इंटरनेट से ऑपरेट हो रही है, इंटरनेट पे उसका डाटा जनरेट हो रहा है। तो जिस तरह डाटा की ज्यादा होता जा रहा है तो डाटा साइंस का भी स्कोप ज्यादा होता जा रहा है। डेटा साइंस का स्कोप कैसे ज्यादा हो जाता है? अगर हमारे पास डेटा है, एक जितना भी हमारे पास डेटा जनरेट हो रहा है, हमें जब तक उस डेटा के ट्रेंड्स नहीं पता होंगे, हमें ये नहीं पता होगा कि किस चीज पे क्या हो रहा है, तो हम उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन नहीं कर सकेंगे कि हम फ्यूचर में कौन सी चीज हमारे पास यूजफुल है, कौन सी चीज नहीं है। तो डेटा साइंस से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें ये चीज करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे हमारे पास अब करंट सिचुएशन में जो हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हमें पता चल जाएगा कि अगर हम दोबारा हमारे पास ये चीज आती है तो हम किस तरह अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं।
सकती है. तो डाटा साइंस आपको एक प्रिडिक्शन प्रोवाइड करता है कि आप फ्यूचर में आप इस चीज को कैसे लेके जा सकते हैं. तो इसका स्कोप डाटा साइंस का इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि हमारा डाटा जनरेट ज्यादा हो रहा है, IoT डिवाइसेस का यूज ज्यादा हो रहा है, स्मार्ट सिटीज बन रही है. तो जैसे जैसे डाटा ज्यादा जनरेट हो रहा है तो डाटा साइंस का भी स्कोप ज्यादा हो रहा है. एक और मैंने रिपोर्ट देखी थी जिसमें ये बताया गया था कि फ्यूचर में जितने भी स्टार्टअप्स होंगे, हर स्टार्टअप भी अपने पास एक डाटा साइंटिस्ट जरूर हायर करेगा, क्योंकि वो उसी की बेस पे, क्योंकि ज्यादा स्टार्टअप्स जो होते हैं वो फेल हो रहे होते हैं. हम जितने भी स्टार्टअप्स को ज्यादातर देखते हैं तो अगर 100% में से 60% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, 40% सस्टेन कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब वो स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उन्होंने उनको ये नहीं पता होता कि उनको अपने आप को सस्टेन कैसे करना है, उनको फ्यूचर स्टेप्स कैसे लेने हैं. तो डाटा साइंटिस्ट के पास जब उनका डाटा आएगा, वो उसकी बेसिस पे उसको प्रिडिक्शन करके उसको फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे तो वो ज्यादा बेस्ट होगा, ना कि एक स्टार्टअप जिसके पास एक डाटा साइंटिस्ट नहीं है. उसके पास उसका डाटा तो है लेकिन वो एक उस तरह से अपने डाटा को यूज नहीं कर सकता जैसे कि एक डाटा साइंटिस्ट उसको बता सकता है कि आपको ये स्टेप्स लेने चाहिए, ये स्टेप्स आपको नहीं लेने चाहिए. डिफरेंट रोल्स ऑफ डाटा साइंसेस. एक डाटा साइंटिस्ट के जो डिफरेंट रोल होते हैं कि उसको उसका बिजनेस एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उसके उसको अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको उससे आप कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसको उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करना अच्छा आना चाहिए, उसको मशीन लर्निंग अच्छी आनी चाहिए, उसको डीप मशीन लर्निंग अच्छी आनी चाहिए, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी आनी चाहिए. तो ये सारे रोल होते हैं एक डाटा साइंटिस्ट के, उसको ये सारी चीजें आती होंगी तो देन ही वो एक अच्छा डाटा साइंटिस्ट बन सकता है. तो अगर एक डाटा साइंटिस्ट इन सब में से किसी भी चीज में लैग करता है या फिर वो अपने आप में एडवांसमेंट नहीं लाता तो वो वहां पे लैग कर जाएगा और उसकी मतलब स्किल सेट एक डाटा साइंटिस्ट के तौर पे वो फिर सस्टेन नहीं कर सकेगी. स्किल्स नीडेड फॉर डाटा एनालिस्ट एंड डाटा साइंस. डाटा एनालिस्ट एनालिटिक्स के लिए जो स्किल सेट्स आपको चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स आने चाहिए, आपको डाटा क्लीनिंग आना चाहिए, आपको ईडी आना चाहिए और डाटा विजुअलाइजेशन आना चाहिए. ये क्या एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा एंड देयर एनालिसिस एंड डाटा विजुअलाइजेशन, जिसमें आप डाटा का ग्राफ या चार्ट जो बनाते हैं कि अपने एनालिसिस की बेस में जो चार्ट बन रहा होता है वो आपका डाटा विजुअलाइजेशन होता है. स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स जो होती हैं आपकी मतलब मैथ्स की एक वो है, डोमेन है स्टैटिस्टिक्स. उसमें आप डाटा की करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि कोई भी डाटा है उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आप स्टैट्स के जरिए देखते हैं. उसके डाटा की करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होंगे देन ही आप उसको डाटा को क्लीन करके उसको एनालाइज करते हैं कर सकते हैं. अगर आपको उसके करेक्टरिस्टिक्स नहीं पता, आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आती तो आप डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते. और डाटा साइंस में आपकी स्टैटिस्टिक्स भी आ जाती हैं, आपकी AI भी आ जाती है, आपकी मशीन लर्निंग भी आ जाती है, आपकी डीप मशीन लर्निंग भी आ जाती है. मतलब एक डाटा साइंटिस्ट के लिए ये डीप मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, AI एंड स्टैटिस्टिक्स, ये सारी स्किल सेट्स होना जरूरी है. और डाटा एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स, EDA, डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा क्लीनिंग, ये सब स्किल सेट्स डाटा एनालिस्ट के पास होने चाहिए. डाटा एनालिस्ट और डाटा साइंस में फर्क ही इसी चीज का है कि डाटा साइंस आपको फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी बताती है लेकिन डाटा एनालिस्ट जो होता है वो आपको डाटा को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, जबकि डाटा साइंस आपको ये फर्दर स्टेप्स भी बताती है कि आपको फ्यूचर में क्या फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए. थैंक यू सो मच. मजीद मैं आपको डाटा साइंस और डाटा एनालिस्ट के बारे में यही बताना चाहूंगी कि अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो फर्स्ट आप सेल्फ लर्निंग करें इन सब चीजों के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, डीप मशीन लर्निंग के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में और स्टैटिस्टिक्स के बारे में. मतलब आपको स्टैट्स आनी चाहिए. जब तक आपकी स्टैट्स अच्छी नहीं है आप एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते. उसके बाद आपके ये सारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कमांड होनी चाहिए. तो इन सब चीजों की कमांड उसी वक्त होगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी.
डोंट टेक मतलब इन टेक्नोलॉजीज को आप एक एज अ बजवर्ड ना लें, एज अ अपॉर्चुनिटी लें. ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं और ये एज अ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ये सारी एमर्ज हो रही हैं. अगर आप इसको एज अ प्रोफेशनल ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, तो इन सब पे अपने पहले कमांड हासिल करें. पहले अपने स्किल सेट देखें कि आपके स्किल सेट इन सब चीजों के साथ मैच कर रहे हैं. मतलब आप को स्टैट्स अच्छी आती है, आपको AI अच्छी आती है, आपको डीप मशीन लर्निंग अच्छी आती है, आपको मशीन लर्निंग अच्छी आती है, देन ही आप एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं. एक आपका क्वेश्चन था कि आप डाटा साइंस कैसे शुरू कर सकते हैं. तो डाटा साइंस शुरू करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको स्टैट्स आनी चाहिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आनी चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, आपको डीप मशीन लर्निंग आनी चाहिए. ये सारे स्किल सेट्स आपके पास होंगे तो आप एक डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं. तो अगर आपकी स्टैट्स अच्छी है, आप अगर कंप्यूटर साइंस में नहीं है लेकिन अगर आपकी स्टैट्स अच्छी है और आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप एक अच्छे डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं. क्योंकि डाटा साइंस का जो फर्स्ट स्टेप ही जो है वो स्टैटिस्टिक्स है. एक आपका क्वेश्चन आया है कि डाटा वैलिडेशन एंड डाटा क्लीनिंग में क्या फर्क है. डाटा वैलिडेशन के जो फर्क है कि डाटा वैलिडेशन में हम देख रहे होते हैं हमारे पास किस सोर्स से डाटा आ रहा है, वो उस चीज़ को हम वैलिडेट करते हैं कि ये सोर्स क्या है हमारे पास, जिस सोर्स से हमारे पास डाटा आ रहा है. डाटा क्लीनिंग क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी आपको प्रोसेस डाटा एनालिटिक्स की उसके प्रोसेस में बताया था कि फर्स्ट स्टेप जब हम डाटा गैदर कर देते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है हमारा फर्स्ट डाटा क्लीनिंग है कि हमारे पास कोई एम्बिग्यूटी तो नहीं आ रही, कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, कोई रोज या कॉलम्स हमारे पास डिलीट तो नहीं होगी, या एक हमारे पास कोई इनकंसिस्टेंसी तो मतलब कोई भी वैल्यू हमारे पास बार बार रिपीट तो नहीं हो रही. तो इस चीज़ को हम डाटा इस डाटा को जब हम क्लीन करते हैं देन हम फर्दर स्टेप लेते हैं. तो ये जो हम एम्बिग्यूटीज को क्लीन कर रहे होते हैं ये हमारे पास डाटा क्लीनिंग है. सभी साथियों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे. बुनियादी बात हमने की थी, उसके बाद आपने ये जो भी देखा, जाहिर है ये जस्ट एरियल व्यू, इट वाज जस्ट एरियल व्यू ऑफ द टॉपिक जो आपने देखी. तो इसमें इंशाल्लाह आगे चल के इसमें आपके बकायदा सर्टिफिकेट को सिखाए जाएंगे. देखिए, एक होती है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एक होती है बुकिश एजुकेशन, एक होती है हैंड्स ऑन एजुकेशन. ठीक है, अब आप जिस फील्ड में आ रहे हैं ना सारे, अभी आपको तीन फेज गुजरना पड़ेगा. पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, वो बुक से मिलेंगे, आपके टीचर बताएंगे आपको. जब आप सीख जाएंगे तो आपको हैंड्स ऑन में आना पड़ेगा. इत्तेफाक से रेशो चेंज हो गई. पहले था कि 80% बुक 20% हैंड्स ऑन, फिर ये हुआ 40% बुक, तो सॉरी 60% बुक 40% हैंड्स ऑन. अब ये बहुत आगे चली गई है बात. अब आपको मेरा ख्याल है बुक से नॉलेज लेने के लिए 20-30 मिनट काम करना पड़ता है. असल आप चीज़ आप उस पर हैंड्स ऑन काम करें. ठीक है, क्योंकि अब मशीन लर्निंग की वजह से प्रोग्रामिंग्स का, चलिए मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ. आज से समझ लीजिए को 40 साल पहले 30 साल पहले जब वेबसाइटें बनाया करते थे तो एक अजाब था, पता नहीं कोडिंग करो जी, ग्राफिक्स का बंदा लगता है, डेटाबेस का बंदा लगता है. अब क्या जी, वर्डप्रेस की आपने थीम खरीद ली, ठीक है, उसका फ्रेम ले लिया आपने, उसका आराम से बैठ गए, मेरा ख्याल है आधे पूरे घंटे में आपने वेबसाइट अपलोड कर दी. कम से कम बेसिक विच नॉट डेटा ड्रिवन वेबसाइट, ओनली स्टैटिक वेबसाइट है, वो आपने अपलोड कर दी, देखना शुरू कर दिया, काम खत्म हो गया. ये क्या हुआ, ये जो बैक एंड प्रोग्रामिंग है ये मशीन ने कर दी आपके लिए. पहले ये काम खुद करना पड़ता था. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नॉलेज है वो उसकी जरा फॉर्म चेंज हो गई. ठीक है, तो ये आपकी फील्ड में भी यही है कि पहले आपको कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वो आप जाए किताबें सीखेंगे या कोई, आज का बड़ा आसान है, आप जाएं यूट्यूब के ऊपर आराम से जो काम करना है उसको सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, तो आपको वो बता देंगे जी काम ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें. और ज़रा बुक से भी अब यही पढ़ते हैं, लेकिन ये बता दूँ आपको बात, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू बुक. ये बड़ी ज़रूरी बात है आपको, नो शॉर्टकट टू बुक. हमेशा लर्निंग स्टार्ट करें बुक से ताकि आपकी बुनियादें मजबूत, फिर अपने टीचर से पूछें ताकि मजीद जो लेयरिंग है वो हो उस पर. टीचर आपके यूनिवर्सिटी में टीचर है, वो आपको
पढ़ाएंगे कि जी ये जो आपने बात सीखी है. ऑलवेज लर्न टू पुट गुड क्वेश्चंस, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके क्वेश्चन से आपको तो फायदा होगा, आपको जवाब मिलेगा, किसी और को भी फायदा होगा जो क्वेश्चन नहीं कर पाता है. तो डेटा साइंसिस के अंदर जैसा आपने अभी देखा, बिग डेटा एक चीज है. बिग डेटा क्या चीज है? बिग डेटा का मतलब ये है कि कोई बड़ी चीज, बड़ा डेटा, टेराबाइट्स, ये करना. उसके लिए क्या चाहिए आप? उसके लिए आपको कोई स्क्रिप्ट चाहिए जिसको आप उसको कर सके, क्योंकि प्रोग्रामिंग कोई वो स्ट्रक्चर तो है नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है सारा. इसके पहला फेज में आपको अनस्ट्रक्चर्ड डाटे को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, फिर स्ट्रक्चर्ड डाटे के ऊपर आपको डाटा बेस बनाने पड़ते हैं, जिससे अभी ने आपको बताया था. ठीक है, तो आई विश गुड लक टू ऑल ऑफ यू. और अगर कोई आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज है कि आपको फिर जरूरत है, तो कोपेयर का आपके पास एड्रेस वाला है सारा, वो आप देख सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं ग्रुप के अंदर, तो इंशाल्लाह विल गेट बैक टू यू. अब बड़ी जल्दी जो हम ये टीम जमा हुई है हमारी, ये इसके ऊपर विल गेट बैक टू यू. और अब हम छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज एक हफ्ते के 3 माह के एआई के ऊपर इशू करेंगे. आमना मलिक साहबा, बस आपका इंतजार था थोड़ा सा, तो रबिया हैज बीन वेरी वेरी एक्सटेंसिव, उन्होंने अपना कर दिया काम सारा, तो मैंने थोड़ा सा कंक्लूडिंग रिमार्क में इनको बता दिया कि भाई इनको फ्यूचर में क्या करना हैगा, और मैंने इनको बता दिया कि फर्क क्या है बुक नॉलेज के अंदर और हैंड्स ऑन नॉलेज के अंदर. मैं एक चीज को स्ट्रेस कर रहा था, एक स्ट्रेस कर रहा था कि एक जमाने में जब हमने पहला मास्टर्स किया था तो सिर्फ किताबें हुआ करती, और अखीर में कहीं जाके को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करा दिया था. वो रिवर्स होते होते 40-60 रेशियोज होते होते अब वो तकरीबन 30-70 पे चला गया. 30 पर किताबें सीखते आएंगे, फिर आप टीचर को सवाल करते हैं, कॉन्सेप्ट मुकम्मल करते आएंगे, फिर आप प्रैक्टिकल काम शुरू कर देते हैं, और लर्निंग आगे प्रैक्टिकल काम नहीं होंगे. बस आप एक रूढ़ी रिवाज का इंतजार था, आपने बिल्कुल बात. एक तो रबिया आपका मैंने सारा सेशन सुना है, बट बीच में क्योंकि और फोन कॉल्स होती हैं, वेबिनार्स होते हैं, बट आई वाज ऑल द टाइम बहुत आपने अच्छा जो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है उसको आपने शॉर्टली सबको बड़े अच्छे तरीके से बताया है. मैं आपसे और मार्स साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगी बिफोर कंक्लूडिंग के ये एक तो सर्टिफिकेट तो इंशाल्लाह बच्चों बहुत ही हरी है कि आज वो रजिस्टर करते हैं तो एक्सपेक्ट कि कल उनको सर्टिफिकेट मिले. ये 3-4 weeks का प्रोसेस होता है, तो बच्चों को इंशाल्लाह जो जिन्होंने इसमें रजिस्टर किया है वो उनको सर्टिफिकेट इंशाल्लाह जरूर मिलेगा. तो कुछ तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं इन्होंने 2-3 कोर्सेज रजिस्टर किए हैं, तो इंशाल्लाह आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम जिन्होंने ये कोर्स किया है कि उनको उनका सर्टिफिकेट इंशाल्लाह जरूर मिलेगा. सेकेंडली अमार साहब ने जैसे कहा कि ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दे के एक कॉन्सेप्ट और एक अवेयरनेस क्रिएट की है, इसके इंशाल्लाह एडवांस कोर्सेज होंगे. और अमार साहब और रबिया से हम ये डिस्कस करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी पैनलिस्ट को आप भी बता दें कौन सी अच्छी बुक्स, कौन से अच्छे रेफरेंसेज हैं, और आज वैस नहीं है हम इसका इसका अलग से एक डेटा साइंस का ग्रुप बना देंगे ताकि लोग आप लोगों के साथ टेक्सटिंग करके हमने ये फेसबुक के अंदर ये डिफरेंट ग्रुप्स डेवलप कर रहे हैं ताकि वो आपसे जो सवाल पूछना चाहें उसमें पूछें. आगे फर्दर कोर्सेज में इंटरेस्टेड होंगे तो हम उसी पे एडवर्टाइजमेंट भी कर देंगे और दे आर मोस्ट वेलकम. तो फाइनल रबी आप थोड़ा सा बता दें और हमारे साथ आप मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज. जी रबिया आप बता दें. एजुरी का आपके पास यूट्यूब पे भी उसका चैनल अवेलेबल है और उसकी वेबसाइट भी आपके पास अवेलेबल है, वहाँ पे आप रजिस्टर करके डाटा साइंस का कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं. आप डिफरेंट कोर्स एरा में भी डाटा साइंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन हर चीज़ शुरू करने से पहले आप अपनी सेल्फ लर्निंग करें कि वो आप चीज़ कंटिन्यूसली कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ये ना हो आप 2 महीने देखें कि मैं ये डाटा साइंस की फील्ड मैंने चूज कर ली है, इसको एज अ बजवर्ड ना लें, इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लें. आप इसकी पहले सेल्फ लर्निंग करें, आप इसकी डिफरेंट ट्यूटोरियल्स देखेंगे, डाटा साइंस है क्या, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, और फ्यूचर में इसकी जैसे मैंने आपको स्कोप बताया क्योंकि हमारा डाटा ज्यादा हो रहा है तो फ्यूचर में डाटा साइंटिस्ट के स्कोप भी ज्यादा से ज्यादा हो रहा है. फ्यूचर में जितनी जॉब्स आएंगी ज्यादा जो जॉब्स होंगी वो डाटा साइंटिस्ट की होंगी क्योंकि हमारे पास डाटा ज्यादा है. लेकिन फर्स्ट आप अपनी सेल्फ लर्निंग करें कि आप इस फील्ड के लिए कैपेबल हैं, आप आपका क्राइटेरिया मीट करता है, देन आप इस फील्ड को एज अ प्रोफेशनल इसको अडॉप्ट करें और अपने प्रोफेशनल को अपना पैशन बनाएं, देन ही आप किसी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं. तो एजुरे का भी एक अच्छी आपको प्रोवाइड कर रहा है डाटा साइंस में
कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्सेरा में भी आपको काफी अच्छा डाटा साइंस का मिल जाता है, और बाकी वो सर्टिफिकेशन भी देते हैं जब आप उनका कोर्स पास कर लेते हैं, उनका पेड होता है, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर लेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आखिर में बात कहना चाहूंगा, ये चीजें आप क्यों सीख रहे हैं, सर अपने करियर बनाना है इसके अंदर। ठीक, बड़ी तेजी से करियर इमर्ज हो रहा है, वो है इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर भी हम कोर्सेज कराएं, इंडस्ट्री रिवोल्यूशन 4.0 के ऊपर, और उसके अंदर जो हमारी SMEs हैं, जो हमारे कारखाने हैं, जो हमारे इदारे हैं, उनको कैसे ऑटोमेशन होनी है, इसके ऊपर आमना साहब आपसे मैं ज़्यादा बात करूँगा, क्योंकि इसमें चैम्बर हमें काफ़ी मदद कर सकता है। SMEs के हजारों SMEs मुल्क में काम कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि अगले 1 से 2 सालों के बाद जो मशीनरी आएगी बाहर से वो IR 4.0 कंप्लाइंट होगी, और उसके बगैर हम काम ही नहीं कर सकेंगे। तो वो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे दिल के तार छेड़ दिए गैप वाली बात के, तो किसी और गैप में ना चले जाए, यानी आज से 20 साल बाद कोई फिर आमना मलिक पूछ रही हूँ रबिया से कि क्या गैप आया था, तो रबिया बता रही हूँ कि जी वो हमारे जब सब चले गए वो IR के बारे में बात करते थे, वो इरा हमने बिल्कुल खामोश छोड़ दिया। तो ये जो नई का सफर है ना, जो इंडस्ट्री का सफर है, ये कोई अनप्लान नहीं है, ये सारा प्लान है। ये सब अभी IR 5.0 आ गया बाहर की दुनिया में, तो हमने 3.0 पूरा छोड़ दिया, 2.0 तक हमने कुछ काम किया था। तो कहने का मतलब ये है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सारे एफर्ट करके अपनी मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्री को ले जाए 4.0 के ऊपर, हमारा इंडस्ट्रीज तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं मेरा काम चल रहा है, लोग बना रहे हैं मेरी चीजों को। लेकिन सर अभी आपने कहा कि हमारे बाहर से लोग क्यों वापस आ रहे हैं, मैं आपको एक तारीखी बात बताता हूँ। 1770s में भुट्टो साहब ने बहुत मैन पावर बाहर भेजी, गली कुछ एक आदमी दुबई पहुंच गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे अपने घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, और हमारे घर में काम करने वाली घर कलर टीवी था। जब उसने आगे मुझे बताया उससे रंग बड़े चंगे नजर आने में, तो मैंने पूछा कैसे लिया, कि मेरे बेटे ने भेजाएगा। एंड दैट वाज अ टोटल चेंज इन सोसाइटी, क्योंकि गांव से ग्रास रूट से लोग बाहर चले गए थे, दैट वाज अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। और इसीलिए, लेकिन अब ये लोग वापस क्यों आए, क्योंकि हमने पीछे इंस्टीट्यूशन नहीं बिल्ड किए, हम वो कंडी तरंडी की बिल्डिंगें बनाते रहे, और वहां पे सारी जो थी, आप यकीन कर लें दुबई के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो 3D पे बन रही हैं, उसकी बुनियाद जो है वो IR 4.0 है। ये बातें बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। अब मसला ये है कि ये सब चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है, कि हम तो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस को पढ़ के इनको बता ही सकते हैं। अब ये तो काम यूनिवर्सिटीज का है, HEC का है, इदारों का है, कि वो मुझे बताएं, पूरी दुनिया में रिसर्च होती है कि 10 साल के बाद किन जॉब मार्केट्स के में जाना है, 5 साल बाद कहाँ जाना है, 20 साल बाद कहाँ जाना है। आज जो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मैं समझता हूँ आज हमें उसको स्टमर्स टीम को समझाना चाहिए क्या चीज़ है। मैं नाम नहीं लूंगा मुल्कों के, हमारे करीब ममालिक हैं, उनके स्कूलों में 5वीं क्लास के बच्चों को पाइथन पढ़ाई जा रही है, 8वीं क्लास के अंदर बच्चों कहते हैं चीज़ बना के दिखाओ हमें, तो बच्चा कॉलेज में आता है कहते हैं जो चीज़ बनाई है उसको बेच के दिखाओ हमें। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का बच्चा और मुझसे कहो कि बेटा आप ये सीख लें, तो उसके दिमाग में ख्याल होता है कि मैं ये करूंगा, बस वो उस ख्याल को समझता है कि मेरी दुनिया है, लेकिन जब वो जाते हैं अपनी जिंदगी के अंदर तो उसका जो ख्याल है वो गलत साबित हो चुका होता है। आखिरी बात मैं करूंगा कि जो बच्चे इस वक्त 4th-5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, जब ये डिग्री करेंगे तो उस वक्त 80% चीजें नहीं याद हो चुकी हूँ। मैं बता रहा हूँ अगले 2 से 3 सालों में इतनी फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आएगी 5G की वजह से, 5.0 की वजह से, IoT डिवाइसेस की वजह से, इतनी तेजी से आएगी ट्रांसफॉर्मेशन कि हम उसको कैचअप नहीं कर पाएंगे। उसका वाहिद तरीका यह है कि इस तरह के अवेयरनेस सेमिनार्स हों। देखिए आमना मलिक साहबा, आपने बड़ी अच्छी बात की शुरू में, एक PhD डॉक्टर होता है उसके इलम की नॉलेज बहुत बुनियाद बहुत बुलंद होती है, हम मैच नहीं कर सकते उनके नॉलेज को, लेकिन वो नॉलेज देते उसका जो अमली काम है वो शायद हम ही बता सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल कैसे होना है। एक इल्म होता है, एक इल्म का इस्तेमाल होता है, उस इल्म का क्या फायदा जिससे इंसान को रोटी ना मिले, जिससे इंसान को अच्छा घर ना मिले, जिससे उसको रहने का माहौल ना मिले सही, जिससे उसको तालीम सेहत ना मिले उसको। बस मैं यही कहना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आप सब। तो मैं जो आखिरी बात कर रहा था वो ये थी कि हमारे बच्चों को हमें बताना चाहिए कि जो इल्म ये सीख रहे हैं इसका अमली इस्तेमाल कहाँ पर है, और गालबन उसी की जरूरत है इनको। तो आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। रबिया एक बात करना चाहेंगे, जो नहीं कर सकी, आवाज बंद हो गई उनकी, कि जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसकी बहुत बड़ी डिमांड जो है वो डाटा साइंसेज है। मैं चाहूंगा अगर आप काइंडली इसके ऊपर एक और भी कोर्स प्लान कर लें कि यूज ऑफ डाटा साइंस इन SDGs, तो उसका फायदा ये होगा कि फिर उस दिन हम SDGs की जो चीजें हैं वो बताएंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट कर सकते हैं और किस तरह चीजों को ले जा सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। और मैं अमार साहब आपसे ये भी कह रही थी, आपको याद होगा कि हमने बोला था कि स्टार्टअप पाकिस्तान में हम एसटीजी का एक प्रोजेक्ट फंड भी करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट आप एसटीजी एकेडमी को और सेंटर ऑफ एआई को कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट क्यों नहीं लॉन्च कर देते? इस पे ऑलरेडी हमारी सदर साहिबा से भी बात हो चुकी है, आपसे भी हो चुकी है, तो ये इस टाइम इंटरकनेक्टिविटी की बात अभी मैं देख रही हूँ, बहुत स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें कहाँ से वो डेटाबेस मिलेगा, तो समबडी नीड्स टू वर्क ऑन दैट। पायलट प्रोजेक्ट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जब आप स्टार्टअप से कम्पीट करते हैं तो उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट बनाए होते हैं, बड़े इफेक्टिव टेक्निकल और फाइनेंशियल प्रपोजल होते हैं। Thank you so much, ma'am, and the audience for giving me this opportunity. मेरा काफी time से plan था कि मैं कोई ना कोई workshop कराऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह I have done my job. I hope आप सबको कुछ ना कुछ information जरूर मिली होगी। मेरी इस छोटी सी काविश, मेरी ये छोटी सी काविश थी आपके के मैं किसी ना किसी तरह अपनी इस field की information deliver कर सकूं। तो thank you so much. Thank you so much, Ms. Samna, and over to you for concluding the marks. जी थैंक यू, मेरी दुआएं हैं राबिया आपके साथ, आपने एक अच्छा गाइडलाइन दी है और आपका ये जो पैशन है और लोगों के लिए एक राह बनेगी, एक लाइट बनेगी, तो अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको और कामयाब करे, और आप सब जो स्टूडेंट्स आज उन्होंने अटेंड किया है, आई विश देम गुड लक। अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफिज़।